अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन एंड बेनवेनुती इन इटालियन ढाबा। आज हमारे ढाबे में बड़े मजे के सैंडविच बनने जा रहे हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन मशरूम सैंडविच, और इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए होंगी, इसके लिए हमें चाहिए होगी 500 ग्राम चिकन चाहिए होगा, 1 कप के जितनी हमें व्हाइट सॉस चाहिए होगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है कि इसको मैंने कैसे बनाया, 1 कप के जितनी हमें मशरूम चाहिए होगी, इटालियन में इसे फोंगी बोलते हैं, और ये मैंने फ्रेश ली थी, इस तरह की होती है फ्रेश, और इसको पीछे से इस तरह काट के और फिर इसको स्लाइस कर लिया ऐसे, स्लाइस करके मैंने इसे बटर और सॉल्ट पेपर के साथ सोते कर लिया, ये इस तरह होगी, इसको मैंने सोते कर लिया। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1/2 टीस्पून ओरिगानो, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून के जितना हमें बटर चाहिए होगा, 2 टेबलस्पून के जितना मस्टर्ड पेस्ट चाहिए होगा, हलापिनो पेपर जो पिकल्स होती हैं वो चाहिए होंगी, और ये गर्किन चाहिए होंगे, और इसके अलावा हमें चीज स्लाइस चाहिए होंगे, 5-6 चाहिए होंगे, और इसके अलावा ऑफ कोर्स हमें ये ब्रेड चाहिए होगी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है कि इसको मैंने कैसे बनाया, ये होममेड है। आइए कुकिंग की तरफ चलते हैं। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया और 2 टेबलस्पून के जितना हमने इसमें ऑयल डाल लिया, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को सौते करेंगे, जब ये पिंक से वाइट हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपना सॉल्ट पेपर ऐड करेंगे। फ्लेम को थोड़ा हाई रखेंगे। हमारी चिकन जैसा कि आप देख रहे हैं वाइट हो चुकी है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे सॉल्ट। मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून पेपर और 1/2 टीस्पून ओरिगानो, इसको 4-5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि चिकन जो है वो अपने ही पानी में गल जाए। ये हमारा चिकन जो है वो ड्राई भी हो चुका है और ये गल भी चुका है अच्छे से, ये देखने गल चुका है। अब हम इसमें मशरूम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ये मशरूम फ्रेश मशरूम ना हो तो आप कैन के या जार के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैन के या जार के यूज़ करें तो आपको सौते करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से ही पके हुए होते हैं। और साथ ही हम इसमें ये अपनी व्हाइट सॉस भी डाल देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे अपने। ये हमारी स्टफिंग जो है सैंडविचेस की वो तैयार हो चुकी है। 2-4 मिनट इसको पका लें तो ये हमारी तैयार है। ये हमने इसको 2-3 मिनट पका लिया और ये देखिए इस तरह सॉसी सा हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बोल में और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार है और इसको हमने हल्का सा ठंडा कर लिया है, और ब्रेड को हमने, चूंकि हमारी ब्रेड लंबी थी, ज़्यादा बड़ी थी और हमारे पैन से ज़्यादा साइज था उसका, इसलिए हमने इसको हाफ कर लिया और बीच में से थोड़ा सा इसको खाली कर लिया। उसके आप क्रम्स बना सकते हैं जो इसके अंदर से निकलेगा, इसका ब्रेड का हिस्सा जो निकलेगा उसका। इसको ग्रिल पैन में थोड़े से बटर के साथ सेक लेंगे। ये हमने ग्रिल पैन को जो है थोड़ा सा गरम करके तो इसमें थोड़ा सा बटर डाल लिया। इसमें हम अपने सैंडविच को रख देंगे।
और इसको किसी प्लेट से दबा कर सेकेंगे हल्का सा। जब एक साइड से हो जाएगा तो फिर हम इसको पलट कर दूसरी साइड से भी ऐसे ही सेक लेंगे। सैंडविच को हमने सेक लिया, अब हम इसको स्लाइस कर लेंगे। हर चीज पकी हुई है, बस इतना ही करना है कि चीज आपका जो है वो मेल्ट हो जाए। चीज मेल्ट हो चुकी है और बाकी सब चीजें तो वैसे ही पकी हुई थी, अब हम इसको सर्व कर देंगे। ये हमारे सैंडविचेस जो है वो बनकर तैयार हैं। अब आप इसको अपने घर में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें।